चिड़िया भोजन लेके अपने घर की तरफ आ रही थी, लेकिन रास्ते में उसे कालू कौवे के साथ टक्कर हो गई और उसका भोजन नीचे गिर गया। चोट तो नहीं लगी चिड़िया? चिड़िया तुझे चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं, चोट तो नहीं लगी, लेकिन मेरा सारा भोजन गायब हो गया। हाँ ना, इधर ही तो गिरा था आपका भोजन, अब नहीं है, इधर किधर गया? यही तो मैं भी सोच रही हूँ कि मेरा भोजन किधर गया। अच्छा चिड़िया, बस तुम जाओ और कहीं और से भोजन ढूंढो। उसके बाद पन्नी चिड़िया रोते हुए अपने घर की तरफ बगैर भोजन के चली जाती है। अगर हमारी दोस्ती इसी तरह से चलती रही तो हमारे तो मजे हो जाएंगे पतलू कौवे। हाँ ना मोटू कौवे, अगर हम इसी प्लान से काम करते रहेंगे तो वाकई हमारे तो मजे हो जाएंगे। हाँ ना, उस चिड़िया को बिल्कुल पता नहीं चला कि भोजन तुमने उठाया है। हाँ ना, मैं नीचे खड़ी थी, जैसे ही भोजन गिर गई मैं जल्दी जल्दी उठाकर चली गई। बस तुम इसी तरह से टक्कर मारते रहो, मैं भोजन उठाता रहूंगा तो हमारे मजे हो जाएंगे। नहीं लाई शोर चिड़िया, मैं भोजन नहीं लाई, भोजन ढूंढ कर आ रही थी घर की तरफ, रास्ते में कालू कौवे से मेरी टक्कर हो गई तो मेरा भोजन नीचे गिर गया। जब हम नीचे आ गए जमीन पर तो भोजन नहीं था। मैं बता चुका हूँ ना आपको कि तुम ना जाया करो। तुम क्यों जाती हो भोजन ढूंढने? नहीं नहीं, एक साल हो गया है कि मैं भोजन ढूंढने नहीं गई हूँ, सिर्फ आप ही लाते हो हमारे लिए भोजन। बस इस हफ्ते मैं जाऊंगी, जो भी हो जाए मैं आपको घर से बाहर नहीं निकलने दूंगी, आपको रिलैक्स होना है। सुबह हो जाती है, पत्नी चिड़िया फिर से जंगल की तरफ भोजन ढूंढने चली जाती है। मिल गया, मुझे भोजन मिल गया, अब मैं जल्दी से घर जाऊंगी और अपनी पत्ती को खिलाऊंगी। और एक बार फिर से पत्नी चिड़िया अपने घर की तरफ जा रही थी, रास्ते में कालू कौवे से टक्कर हो गई। कालू कौवे, तुझे क्या हो जाता है, क्यों मेरे सामने आ जाते हो? यही तो मैं भी पूछ रहा हूँ, तुम क्यों मेरे सामने आती हो? मैं नहीं आती, आप आते हो मेरे सामने। मेरे पेल सामने लगाया करो, चुप हो जाओ। और हाँ, मुझे ये बताओ कि भोजन फिर से किधर गया? यही तो मैं भी पूछ रही हूँ कि मेरा भोजन किधर जाता है। मुझे तो ना उस छोटे पक्षी पे शक है, वो बड़ा चालाक है, मुझे लगता है कि वो आता है और यहाँ से भोजन उठाकर जाता है। भोजन निकालो छोटे पक्षी, मेरा भोजन निकालो। किधर आया तेरा भोजन? मेरे पास तो तेरा भोजन नहीं है। चालाकी ना करो, जंगल से उठा के लाए हो। जंगल में मेरा कालू कौवे से टक्कर हो गई, मुझसे सारा भोजन नीचे गिर गई और वो भोजन आपने उठाकर अपने घर ले आया। नहीं नहीं, मेरे पास तो आपका भोजन नहीं है, मैं तो जंगल गया ही नहीं हूँ। फिर किधर गई, मेरा भोजन किधर गई? मुझे नहीं पता, आपको किसने बताया कि वो मैं था? कालू कौवा बता रहा था कि आपका भोजन उस छोटे पक्षी ने उठाकर ले गया है। अरे चिड़िया, तुमने उससे पूछ लिया, वो तो खुद बहुत बड़ा जालिम है। नहीं लगता, मुझे वो जालिम नहीं लगता। तुमको एक साल हो गई है कि आप जंगल नहीं गई हो, तुम जाओ और अपने शोहर से पूछो। उसके बाद चिड़िया रोते हुए अपने घर की तरफ चली जाती है। फिर से आ गई, बगैर भोजन के मैं फिर से आ गई, मेरे साथ ना उस कालू कौवे के फिर से टक्कर हो गई, मेरा भोजन नीचे गिर गया, नीचे आई तो मेरा भोजन नहीं था, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अच्छा वाकई ये तो बड़ी हैरान कन बात है, आप मुझे बताइए कि कालू कौवे का आपसे टक्कर क्यों हो जाता है? अचानक से आता है मेरे सामने। हर बार अचानक से आता है तो तुम एहतियात कर लो ना। करती हूँ मैं तो एहतियात, लेकिन पेड़ की पीछे से डायरेक्ट निकल जाता है, मेरी टक्कर हो जाती है उससे। अच्छा ये भी तो हो सकता है कि उसकी कोई चाल हो। क्यों चाल होगा, वो तो मेरे साथ ही होगा, मुझे और कुछ कहता भी नहीं है, और हम जब दोनों नीचे आते हैं तो भोजन नहीं होता। अगर उसकी कोई चाल होता तो भोजन वो लेके जाता ना, लेकिन वो मेरे साथ ही होता है और भोजन गायब हो जाता है। तुम नहीं समझती, मुझे तो ये चाल ही लग रहा है, शायद उसके साथ कोई और दोस्त मिला हुआ हो। हाँ तुम फिक्र ना करो, मैं कल आपके साथ जाऊंगा। नहीं नहीं तुम मत जाओ, मैं जाती हूँ ना, मैं कल दूसरे रास्ते से आ जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं इसलिए जाता हूँ क्योंकि मुझे मालूम करना है कि कालू कौवा क्या करता है, क्यों उसका टक्कर आपसे हो जाती है। कल को तुम उसी रास्ते से ही आ जाना, मैं देखता हूँ कि आखिरकार सीन क्या है।
ये पतलू कौवा इधर क्या कर रहा है? मुझे लगता है कि कालू कौवे का दोस्त ये पतलू कौवा है। मुझे बस इंतजार करना है कि आखिरकार यहाँ पर होता क्या है। थोड़ी देर बाद फिर से कालू कौवे और पत्नी चिड़िया की टक्कर हो जाती है और भोजन नीचे चला जाता है। जैसे ही जमीन पर भोजन आ जाता है तो पतलू कौवा उसे उठाकर ले जाता है और ये सब कुछ पत्ती चिड़िया देख जाती है। यह सीन है, अब मुझे पता चल गया कि भोजन किधर जाता है। ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। मैं अपना इन दोनों के पीछे चला जाता हूँ और देखता हूँ कि ये दोनों क्या करते हैं, क्या वाकई ये दोनों मिले हुए हैं या नहीं। बहुत मजा आता है भोजन खाते हुए, मुझे तो बहुत मजा आता है। हाँ ना, मुफ्त का भोजन है, मजा तो आएगा। जब कौवे आपस में भोजन खा रहे थे तो पत्ती चिड़िया ने सब कुछ देख लिया और उसे समझ आ गया कि ये इन दोनों की प्लान है। फिर पत्ती चिड़िया मालिक मकान कौवे से मिलने जाता है। आपके घरों में रहते हैं ना ये दोनों कौवे? आपके घरों में रहते हैं? हाँ, ये दोनों मेरे ही घरों में रहते हैं। इन दोनों की अलग अलग घर हैं, आपको क्या मसला है? उसके बाद पत्ती चिड़िया सारा किस्सा सुना देता है। अच्छा, तो ये दोनों इतने बड़े जालिम हैं। आप फिक्र ना करो, मैं जल्दी जल्दी इन दोनों को इस गांव से चलता करूंगा। शुक्रिया मालिक मकान कौवे, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मालिक मकान कौवा इन दोनों कौवों को घरों से निकाल देता है और ये दोनों ये गांव छोड़कर किसी और गांव की तरफ चलने जाते हैं। बताया था ना कि चाल हो सकता है। हाँ, सच कह रहे हो शोहर, लेकिन मुझे क्या पता था कि इस जंगल में इस तरह से कौवे भी रहते हैं। बस आप मजे करो, वो दोनों जा चुके हैं इस गांव से। शुक्रिया शोहर चिड़िया, आपने बहुत अच्छा किया, वरना मैं रोज इसी तरह से धोखा खाती रहती थी। आपने बहुत अच्छा किया। तो बच्चों सुनो, बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। और हाँ सुंदर सी बच्चों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, हमारी कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट सेशन में हमें बता दीजिएगा। और हाँ, अगर कहानियाँ अच्छी लग रही है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक करना भी ना भूलिए। और इस कहानी से आप लोगों ने क्या सीखा वो भी हमें कमेंट सेशन में बता दीजिए। शुक्रिया।